नमस्कार, बोलते तारे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। मृत्यु लोक के दंडाधिकारी और ग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखने वाले भगवान शनि 17 जनवरी को 6:02 पर मकर राशि की यात्रा समाप्त करके अपने स्वयं की ही राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। इसी के साथ ही धनु राशि वालों की 7:30 समाप्त होगी और साथ ही मीन राशि वालों की 7:30 का शुभारंभ हो जाएगा। 7:30 के दुष्प्रभावों से बचना है तो अच्छे कर्म करें, छल कपट से दूर रहने का प्रयास करें। आइए आपको 7:30 के 5 लक्षणों के बारे में बताती हूँ, उसके बाद बात करेंगे राशिफल की। आपकी हथेली की रेखाओं का रंग बदल सकता है या हथेली की रेखाओं का रंग नीला या काला हो सकता है। सिर की चमक गायब हो जाएगी और माथे पर काला रंग दिखने लगेगा। अपनी छवि खराब करने के डर से आप हमेशा परेशान रहेंगे। बात बात पर आपको गुस्सा आएगा, आपकी वाणी और विचार बदलेंगे। शनिदेव से जुड़े दोष को दूर करने के लिए शनिवार का दिन विशेष होता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। चलिए अब 7:30 के उपाय जान लेते हैं। शनिदेव अपने कर्म के अनुसार फल देते हैं। शनिवार के दिन लोहा, काली उड़द की दाल और काले तिल या काला कपड़ा दान करना चाहिए। हनुमान जी का पूजा करने से शनिदेव शांत रहते हैं। स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर घर या शनि मंदिर में जाकर शनिदेव की पूजा करें। 7:30 के दौरान आपको क्या कुछ काम नहीं करना चाहिए ये आपको बता देती हूँ। यदि शनि की 7:30 हो तो ऐसे में व्यक्ति को कोई भी जोखिम लेने से बचना चाहिए। किसी से वाद विवाद ना करें। वाहन के प्रयोग में आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। शनिवार और मंगलवार को काले कपड़े नहीं खरीदने चाहिए और ना ही पहनने चाहिए। शनि की 7:30 का प्रभाव व्यक्ति पर हो तो शनिवार और मंगलवार को शराब और व्यसन से बचना चाहिए। शनि के 7:30 के समय रात्रि में यात्रा नहीं करना चाहिए। 7:30 के लक्षण पर खास ध्यान दें और चलिए बात करते हैं मेष राशि की। शनि से एकादश लाभ भाव में गोचर करते हुए शनिदेव बेहतरीन सफलता दिलाएंगे। यूं समझिए कि इनका यह राशि परिवर्तन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सोची समझी सभी रणनीतियां कारगर सिद्ध होगी। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और बड़े भाइयों से मतभेद बढ़ने ना दें। कार्य व्यापार में उन्नति होगी किंतु प्रेम संबंधी मामलों में उदासीनता रहेंगी। विद्यार्थियों और प्रतियोगिताओं में बैठने वाले छात्रों के लिए भी समय बेहतरीन रहेगा। शनिदेव से संबंधित और सुखद लाभ प्राप्ति के लिए शनि के वैदिक मंत्र अथवा स्रोत का पाठ करें। मेष के बाद वृष राशि की बात करते हैं। राशि से दशम कर्म भाव में गोचर करते हुए शनिदेव कई तरह के अप्रत्याशित परिणामों का सामना कराएंगे। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंताशील रहना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में भी षड्यंत्र का शिकार होने से बचे। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में किसी भी तरह से बड़े टेंडर के लिए आवेदन करना हो तो उस दृष्टि से ग्रह गोचर अनुकूल रहेगा। कोई भी बड़े से बड़ा कार्य आरंभ करना हो अथवा किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना हो भी तो ग्रह फल अति अनुकूल रहेगा। शनि देव की कृपा हमेशा प्राप्त होती रहे, इसके लिए शनि स्रोत का पाठ करें। वृष राशि के बाद जानेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। राशि से नवम भाग्य भाव में गोचर करते हुए शनिदेव का प्रभाव आप में साहस और पराक्रम में वृद्धि कराएगा, किंतु कई बार आपकी कार्य बड़ी मंद गति से होगी जिससे आप निराश भी हो सकते हैं, किंतु इन सब चीजों की अपने ऊपर हावी ना होने दें। सफलता आपको ही मिलेगी, काफी दिनों का प्रतिशत परिणाम सकारात्मक मिलेगा। विदेशी कंपनियों में सर्विस अथवा नागरिकता के लिए प्रयास करना हो तो ग्रह गोचर अनुकूल रहेगा। दूसरे देश की नागरिकता के लिए भी अवसर अनुकूल है। शनिदेव का और सुखद फल आपको मिलता रहे, इसके लिए पीपल का वृक्ष लगाएं। और अब कर्क राशि की बात करते हैं। राशि से अष्टम आयु भाव पर गोचर करते हुए शनिदेव का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। विशेष करके स्वास्थ्य के प्रति आपको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में भी षड्यंत्र का शिकार होने से बचे, बेहतर रहेगा काम संपन्न करें और सीधे घर आए। कोर्ट कचहरी के मामले भी बाहर ही सुलझा लेना समझदारी रहेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद हल होंगे। ससुराल पक्ष से मतभेद और दाम्पत्य जीवन में कटुता ना आने दे। विवाह संबंधी वार्ता में थोड़ा और समय लग सकता है। शनिदेव की शांति करवाना सभी कार्य बाधाओं से मुक्ति देगा। कर के बाद सिंह राशि की बात करते हैं।
राशि से सप्तम दाम्पत्य भाव में गोचर करते हुए शनि देव कई तरह के अप्रत्याशित उतार चढ़ाव का सामना कराएंगे। दाम्पत्य जीवन में शुभता आएगी, विवाह संबंधी वार्ता सफल रहेगा। साझा व्यापार करने से परहेज करें, कोई नया व्यापार आरंभ करना हो तो भी समय अच्छा रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठान बढ़ेगी, चुनाव से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं तो उस दृष्टि से भी इसका प्रभाव बेहतरीन रहेगा। अपने स्वभाव में उग्रता न आने दे, योजनाओं को गोपनीय रखते हुए कार्य करेंगे तो अधिक सफलता रहेगी। शनि स्रोत का पाठ करना और भी शुभ परिणामदायक रहेगा। और अब जानेंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। राशि के छठे शत्रु भाव में गोचर करते हुए शनि देव बेहतरीन सफलता दिलाएंगे। काफी दिनों के प्रतिष्ठित कार्य संपन्न होंगे, शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत हैं। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद हल होगा। कोर्ट कचहरी के मामले में निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत है। यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा। अत्यधिक खर्च के कारण आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। सब कुछ सुखद रहेगा, किंतु इस अवधि के मध्य किसी भी बड़े कर्ज के लेन देन से बचे। शनिदेव की ओर से शुभता आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए शनि स्रोत का पाठ करें। और अब कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं। राशि से पंचम विद्या भाव में गोचर करते हुए शनिदेव आपको जीवन के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाएंगे, किंतु छल कपट और परपंचों से दूर रहना होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। संतान के दायित्व की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधी मामलों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम विवाह भी करना चाह रहे हो तो उस दृष्टि से ग्रह गोचर अनुकूल रहेगा। आय के साधन बढ़ेंगे, उच्च अधिकारियों से मेलजोल बढ़ेगा, उससे लाभ भी होंगे। काफी दिनों का भी दिया गया धन भी वापस मिलने के उम्मीद है। नव दाम्पत्य के लिए संतान प्राप्ति और प्रभु भाव के भी योग है। शनि देव के वैदिक मंत्र जप करना शुभता की वृद्धि होगी। और अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। राशि से चतुर सुख भाव में गोचर करते हुए शनि देव का प्रभाव काफी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। सफलताओं के बावजूद कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ेगा। मित्रों और संबंधियों से भी अप्रत्यय समाचार प्राप्त के योग है। जीवन जायदाद से जुड़े मामले का निपटारा होगा। मकान अथवा वाहन के क्रय करना चाह रहे हैं तो उस दृष्टि से ग्रह गोचर अनुकूल रहेगा। कार्य व्यापार के उन्नति होगी। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंताशील रहे। शनिदेव के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए इसकी शांति करवाना और पीपल वृक्ष का आरोपण करवाना सुखद होगा। चलिए अब धनु राशि की बात करते हैं। राशि से तृतीय पराक्रम भाव में गोचर करते हुए शनि देव आपके लिए प्रतिष्ठित परिणामों का सुखद अंत करवाएंगे। जैसी सफलता चाहेंगे हासिल करेंगे। अपने अदम्य साहस और पराक्रम के बल पर विषम परिस्थितियों पर भी आसानी से नियंत्रण पालेंगे। लिए गए निर्णय और किए गए कार्यों की सराहना होगी। धर्म और अत्याधर्म में रुचि बढ़ेगी, यहाँ तक कि समाज सेवा के प्रति पूर्ण समाप्त रहेंगे। संतान संबंधी चिंता परेशान करेगी, उनके स्वास्थ्य के ध्यान रखें। अपनी ऊर्जा शक्ति का सदुपयोग करते हुए कार्य करेंगे तो अधिक सफल रहेंगे। शनिदेव का वैदिक मंत्र जप और सफलता देगी। और अब धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। राशि के द्वितीय धन भाव में गोचर करते हुए शनिदेव आर्थिक पक्ष मजबूत करेंगे। काफी दिनों का दिया गया धन भी वापस मिलने की उम्मीद है। पैतृक संपत्ति एवं वाहन सुख प्राप्ति के योग है। जमीन जायदाद अथवा मकान वाहन का क्रय करना चाह रहे हैं तो उस दृष्टि से ग्रह फल अति अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य विशेष करके दाहिनी आंख से संबंधित समस्या से सावधान रहे। शरीर के जोड़ों में भी दर्द बढ़ सकता है, उस पर भी ध्यान रखे। कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र का शिकार होने से बचे। कोर्ट कचहरी के मामले बाहर ही सुलझा लेना समझदारी होगी। शनि स्रोत का पाठ करना अति उत्तम होगा। मकर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। अपनी राशि में गोचर करते हुए शनिदेव का प्रभाव अच्छा ही कहा जाएगा। यद्यपि ऐसा भी माना जा सकता है कि साढ़े साती का दुष्प्रभाव भी मिल सकता है, किंतु यह भी आपके चाल चेहरा और चरित्र पर निर्भर करेगा। जैसे कार्य करेंगे वैसे ही शनि की कृपा मिलेगी। शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत है। संतान के दायित्व की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी एवं योग्यता में बैठने वाले छात्रों के लिए भी समय बेहतरीन रहेगा। विदेश में पढ़ाई करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अवसर अच्छा है। शनिदेव के वैदिक मंत्र का जाप करें, सुख में वृद्धि करेगा।
और अब अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। राशि के 12वें वैभाव में गोचर करते हुए शनि देव का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अत्यधिक भागदौड़ और खर्च का सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक तंगी बढ़ सकती है, इसलिए अपव्यय से बचे साढ़े साती के दुष्प्रभाव से भी दो चार होना पड़ेगा। इसलिए बेहतर रहेगा कि अपने कार्य पर ध्यान दें और दूसरों को परेशान करने से बचे। जितने अच्छे कर्म करेंगे साढ़े साती का दुष्प्रभाव उतना ही कम मिलेगा, जितने बुरे काम करेंगे साढ़े साती का दुष्प्रभाव उतना अधिक रहेगा। अंततः सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है, फिर भी शनिदेव की शांति करवाना, पीपल का वृक्ष लगाना सर्वोत्तम रहेगा। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।